हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश सीखनी हो या मैथ्स या मन हो साइंस पढ़ने का, तो आज जाओ श्री बालाजी इंस्टीट्यूट पर पढ़ते हैं। मंडे टू थर्सडे मैथ्स, फ्राइडे टू सैटरडे साइंस, संडे स्पेशल इंग्लिश क्लास, और आज ही श्री बालाजी इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो एंड वेलकम बैक टू द श्री बालाजी इंस्टीट्यूट। दिस इज योर एजुकेटर दीपक सिंह। आज की इस मैथ की क्लास में हम करने वाले हैं 4.3 के कुछ और क्वेश्चन, जो कि हमारे बचे हुए क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ऐसे करके हम इसमें करने वाले हैं। जैसे कि आपको वीडियो से पहले पता लग गया होगा कि किस क्वेश्चंस को हमारे डिस्कस करने वाले हैं, तो बिना देरी किए अगर आपने श्री बालाजी इंस्टीट्यूट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आपको बहुत पसंद आती है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ने से पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। इसमें दे रखा है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जो हमें कोई इक्वेशन दे रखी है उसके हमें रूट फाइंड करने हैं। जस्ट लाइक क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्या क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स माइनस 1/x = 3, ठीक है, जो कि हम बोल सकते हैं कि एक्स जो है वो जीरो के क्या है, इक्वल नहीं है, ठीक है, इक्वल नहीं, नॉट इक्वल देन जीरो। तो अब हम इसको कर कैसे सकते हैं। मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था, क्या था सर वो फॉर्मूला, था d = b² - 4ac। एक और फॉर्मूला बताया था आपको, x = -b + √d/2a। एक और चीज़ बताई थी मैंने आपको, क्या था वो, ax² + bx + c = 0। ये तीन फॉर्मूला मैंने आपको बुक भी बोले थे कि भाई इसको ध्यान में रखना है आपको, ये तीन फॉर्मूला। इसी से क्वेश्चंस किए जाते हैं सारे। जैसे कि देखिए, इसमें देखिए, x को अगर मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, x² - 1, ठीक है, = 3x। अब मुझे इसको इस फॉर्म में चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इस फॉर्म में चेंज करने के लिए मैं बोल सकता हूँ कि x² अपनी जगह रहेगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, और ये एज इट इज ऐसी, यानी कि 0। ये देखिए इस फॉर्म में चेंज हो गया ना, हमें एज इट इज सभी को ऐसे ही चेंज करना पड़ता है। अब मैं इसमें d = b² - 4ac का फॉर्मूला लगाने के लिए इसमें से a = 1 निकालूंगा, b = क्या निकालूंगा, -3, और c = -1। अब मैं यहाँ पे d निकालता हूँ, d = b² - 4ac हम लगाते हैं, b² यानी कि -3 का स्क्वायर - 4 × a कितना है 1, और c है हमारा -1, जिसे कि हम कह सकते हैं कि -3 का स्क्वायर जो है, -3 का स्क्वायर का मतलब 3 × 3 = 9, माइनस और माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, 4 × 1 = 4, यानी कि 9 और 4 कितना हो जाएगा, 9 और 4 कितना हो जाएगा डियर, 9 और 4 हो जाएगा यहाँ पे 13, जो कि क्या है, 0 से बड़ा है। हम ये बोल सकते हैं ना कि जो 13 है वो क्या है, ग्रेटर देन 0, 13 जो है 0 से बड़ा है। इसका मतलब हम इसको एक्स भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है अगली चीज़। बस का चला गया, क्लियर है वाली चीज़। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको कि अगर d निकाल लिया तो फिर x भी निकालना इसके अंदर इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। अब x भी निकालना इम्पोर्टेंट, तो हम यहाँ पे x निकाल लेते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि x = -b, माइनस बी क्या होता है, माइनस बी सर इसमें दे रखा है -3, यानी कि जो कि प्लस में चिन्ह जाएगा, प्लस माइनस √d कितना है अपना 13 अपॉन में 2a, 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक की बात आपको अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। अगर आपने इसकी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की वीडियो नहीं देखी, या फिर और भी वीडियो जो कि चैप्टर नंबर 1, 2 में से हमने वीडियो या 3rd में से वीडियो बना रखी है, वो आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखे हैं, वहाँ पे जाइए, या फिर आप हमारे चैनल को सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे श्री बालाजी इंस्टीट्यूट, आप वहाँ पे सबसे ऊपर ही हमारे चैनल को पाएंगे, उस पर क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारी वीडियोज़ वहाँ पे मिल जाएंगी, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो या इंग्लिश हो। इकोनॉमिक्स की कुछ वीडियोस वहाँ पे मैंने डाल रखी है पहले की, तो आप वो भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में हमेशा आते हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक जगह अगर मैं लूँ, देखिए दो पार्टीशन कर लेता हूँ, एक जगह मैं लूँ x = 3 + 13 / 2,
एक जगह लियो तो 3 - 13/2 सर क्यों ले लिया भाई, इसलिए ले लिया क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का है, तो 13 और 3 कितना होगा 16, ठीक है, बटे में 2, और 13 में से 3 गए तो 10/2, यानी कि यहाँ पे एक आ सकता है 8 और एक आ सकता है इसमें से 5, यानी कि एक आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा हमारा 8 और दूसरा आंसर हो जाएगा हमारा 5। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यूज तो फाइंड करनी थी कि x है क्या इसमें, ठीक है, क्योंकि देखो इसमें बोला ना फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, रूट्स हमें फाइंड करने हैं इसके अंदर, तो बिल्कुल अच्छी तरह आपको समझ आ गया होगा, मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है। सो मैं फर्स्ट के बाद इसके सेकंड में क्वेश्चन कराऊँ या नहीं कराऊँ आप लोग मुझे एक बार बता दीजिए। अब बताइए कैसे, आप लोग मुझे कमेंट कभी करते नहीं है कि सर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई है, फिर ये अच्छे से समझ आ गया है तो आगे मत समझाइए, या फिर आपको ऐसे समझाना चाहिए, जैसे भी आपका जो भी आपकी क्वेरी हो, जो भी आपका सजेशन हो, आप मुझे प्लीज़ ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपके सजेशन से ही सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब अगर मैं इसके क्वेश्चन पार्ट सेकेंड की बात करता हूँ, तो पार्ट सेकेंड में है क्या, पार्ट सेकंड हमें दे रखा है 1/(x+4-1)-7, हाफ में कराऊंगा इसको, हाफ आपको करना है होमवर्क में, जो कि क्या है 11/30 है, ठीक है, जिसमें बोल रहा है कि x जो है ना ही बराबर -4 के है और ना ही 7 के है, तो आपको ये ध्यान में रखना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब इसको करेंगे कैसे, देखिए मैं इसका एलसीएम भी ले सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, x+4 और x-7 इसका एलसीएम आ सकता है, बिल्कुल सर आ सकता है, इसको इससे डिवाइड इससे मल्टीप्लाई, यानी कि x-7 बचा, इसको इससे डिवाइड इससे मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या बच जाएगा x+4 बच जाएगा, अब x से तो ज्यादा x क्या, और माइनस जो है वो माइनस इधर का बच जाएगा, तो -, प्लस यानी कि माइनस का 11 बच जाएगा यहाँ पे, क्लियर यही बात। चलिए अब यहाँ बचेगा x+4 और क्या बचेगा इधर x-7, जो कि 11/30 के बराबर होगा, 11 से तो 11 कट गया, अब क्या बचेगा इधर -1 और 30, तो -1 को 30 क्रॉस मल्टीप्लाई तो करते हैं फिर, यानी कि अब बचा हमारा, अगर इसको लेके चलेंगे तो इसमें से क्या क्या बचेगा, x+4 और इधर बचेगा x-7, इधर बचेगा -30, ये तो बचेगा हमारा। चलिए अब क्या करते हैं सर, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह पहले भी समझा रखा है कि हमें करना क्या होता है, हमें इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई फिर आगे वाले से, कहने का मतलब इसकी मल्टीप्लाई इससे फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, ऐसे इसमें होता है कि फर्स्ट की इससे होती फिर फर्स्ट की सेकंड से होती है, ऐसे तो करते हैं, चलिए करके देखते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इससे तो एक्स स्क्वायर हो गया, इसकी मल्टीप्लाई पीछे वाले से तो प्लस का सॉरी माइनस का 7x हो गया, इसकी इससे करेंगे तो प्लस का 4x हो जाएगा, और इसके फिर इससे करेंगे तो 7 + 4 = 28, यानी कि -28 = -30 हो जाएगा। यहाँ तक की बात एक बार दोबारा समझाता हूँ आपको, हमने क्या करा, x की मल्टीप्लाई x से तो क्या आएगा x2, x को 7 से तो 7x माइनस, इसलिए क्योंकि आगे वाले डिजिट की हम साइन यूज़ करते हैं, तो माइनस है यहाँ पे तो माइनस आ गया, प्लस 4x तो 4x आ गया, इसको इससे करेंगे तो 7 + 4 = 28 और माइनस का -= ये आ गया, क्लियर अगली चीज़। चलिए अब एक्स स्क्वायर तो हमारा ऐसे ही रह जाएगा माइनस, अब देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 7 में 4 रह गया तो बचे 3x, अब देखिए ये डिजिट अगर इधर जाएगी तो भाई ये डिजिट इधर जाएगी तो ये डिजिट इधर भी आएगी, ऐसे कह सकते हैं हम, तो माइनस वाली इधर प्लस हो जाएगी, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा, यानी कि बचेगा कितना माइनस का, तो क्लियर है ये चीज़, क्या आप सभी को ये समझ आ गया है, क्या समझ आ गई है ये बात, यानी कि अब हमारे पास इक्वेशन ये निकल के आ गई है। अब आप बोलोगे सर ये इक्वेशन निकल के तो हमारी आ गई है, आपने जैसे निकलवाया है तो अब होगा क्या, सॉरी इसमें जो ये था ये प्लस का हो जाएगा ना, यहाँ पे आके अगर इसको इधर लाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा प्लस का, तो इतना तो हमें समझ आ गया है, लेकिन इसके बाद अब क्या करें, इसको देखते ही दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि हमें इसका करना क्या होता है, तो चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ कि इसका क्या करना होता है हमें, बिल्कुल आपको ध्यान समझना है, आपने पहले सीख रखा है कि इसको आगे कैसे किया जाता है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, बाकी हम आगे करते हैं। मैंने बोला था पहले कि हाफ करा दूंगा, लेकिन बट अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं पूरा करा दूंगा तो वो ठीक रहेगा, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा, यानी कि ये हमारा बचा था क्या था, x²-3x+2=0,
इसको भी रफ कर लेते हैं। अब देखिए होगा क्या, मैंने बताया इसका एलसीएम लेना है कि प्लस माइनस करके क्या आ जाए, 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 2, तो मैं इसमें ले सकता हूँ बिना उसके, बिना एलसीएम लेने ले सकता हूँ 2x, ठीक है, माइनस 1x प्लस 2। साइन चेंज, पहले साइन चेक करते हैं, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 और 1 3 हो गया और 2 1 जा 2 हो गया, दैट्स क्लियर। दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको, पहले ही पता था कॉमन लिया, इसमें से x बचेगा x माइनस 2, ठीक है, इसमें क्या बचेगा, अगर यहाँ पे 1 ले लेते हैं, यहाँ पे अगर मैंने 1 ले लिया तो अंदर बचेगा x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ तक की बात सबको समझ आ गई होगी, तो भाई यहाँ तक की बात समझ आ गई, तो बाहर वाले एक तरफ अंदर वाले एक तरफ, ये हो गया अंदर वाले बाहर वाला x और माइनस का 1, तो x और माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 0 प्लस 2 यानी कि x बराबर कितना आ गया, एक x बराबर आ गया, तो समझ आई कहानी, बिल्कुल सर आ गई। तो 0 प्लस 1 यानी कि x बराबर यहाँ पे कितना आ गया, 1, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक x बराबर 2 आ गया और एक x बराबर 1 हमारा यहाँ पे आ गया है। बहुत ही सिंपल था, अगर आप करना चाहेंगे तो एक बार घर पे इसको दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हो, वीडियो को देखना ही नहीं है, वीडियो को देखना है और साथ में उसके प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। चलिए अब मैं इसको रफ करने से पहले आपको बताने चाहता हूँ कि आगे हम क्या करने वाले हैं, तो हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है उसको देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर इसका 4। द सम ऑफ रेसिपेंट्स रेसिप्रोकल्स ऑफ रेवांस एज 3 ईयर्स एगो, 3 साल पहले, कितना बोल रहा है, 3 साल पहले, 3 साल पहले का मतलब क्या हो जाएगा। अब देखिए मैं इसको बिल्कुल एज इट इज जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे करके देखेंगे। आप जैसे क्वेश्चन पढ़ लीजिए जो स्क्रीन पे दिख रहा है, जैसे कि देखो उसमें फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द रेवांस एज इन 3 ईयर्स एगो, 3 साल के, ठीक है, पहले। अब 3 साल पहले का मतलब हो गया एक अपॉन में एक्स माइनस 3 प्लस कर देंगे। आगे दे रखा एंड 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 5 ईयर फ्रॉम नाउ, तब से अब 5 साल, एक तो हो गया हमारा ये, तब से अब क्या क्या बोल रहा है, 5 साल बराबर क्या है, 1 upon 3। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ एज, एज की परसेंटेज हमसे पूछी गई है, तो भाई इसको करेंगे कैसे, इसको करेंगे कैसे, इसको करेंगे कैसे। दिमाग में बात यही आती है सर कि अब तो आपने बता दिया कि ये ऐसे होगा, लेकिन हम इसके अंदर बोल सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं कि इसका जितना भी मल्टीप्लीकेशन है उसको एक तरफ लेके आ सकते हैं। कैसे, हम इसका पहले कह लेंगे सर, आपने बता रखा है, हमेशा कह लेंगे इसका एलसीएम। अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा तो यही आएगा, बिल्कुल सर आएगा, इसमें से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा सर, यही बचेगा, क्या बचेगा, एक्स प्लस 5, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, तो यहाँ पे 5 बच जाएगा, ठीक है। अब इसमें से इसको डिवाइड, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस 3 बच जाएगा, बिल्कुल सर बचेगा, बीच में प्लस आ जाएगा, बराबर 1 upon 3, यस और नो, बिल्कुल सर। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस 3 नीचे वाला तो यही रहेगा, क्यों रहेगा, अभी बताते हैं, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है सर, हो रहा है, बिल्कुल सही है। अब इक्वल टू, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x प्लस 5 और प्लस में बच जाएगा, इधर क्या बचेगा, 3x माइनस 3। अब हमारा ये तो बच ही गया, अब सर इसके आगे क्या करें, गंभीर समस्या, तो भाई गंभीर समस्या सॉल्व तो मैं ही करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे ही तो करते हैं, यानी कि x को इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो प्लस का 5x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x, इसको लास्ट वाले से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और 5 3 15 इजिकल, इसको इससे और फिर इसको इससे, यानी कि 3x प्लस 3 को 5 से 3 5 15 प्लस 3 को इससे करेंगे तो 3x, फिर इसको इससे करेंगे तो 3 3 9 माइनस का 9, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। यहाँ तक कि सारी प्रॉब्लम तो आपको सॉल्व हो चुकी होगी मेरे हिसाब से, मेरे को ऐसा लगता है। अब इसमें से जो बचा हुआ है उसको लेस कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस यानी कि 2x बचा, माइनस 15 इक्वल टू, अब इसमें देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, 3 और 3 6 हो सकता है क्या, क्या 3 और 3 6 हो सकता है, बिल्कुल सर, क्योंकि प्लस सी एस आ रहा, तो हम प्लस में तो प्लस बना सकते हैं ना, प्लस में से प्लस तो बना ही सकते हैं ना, बिल्कुल सर बना सकते हैं, तो 3 3 कितना होता है, 3 और 3 6x, इन दोनों को देखिए प्लस एक माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और इसमें से अगर 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा सर,
सर इसमें 6 बच जाएगा। क्या आप मेरी बात से सहमत है? क्या 6 ही बचेगा इसमें से? बिल्कुल सर, यही बचेगा। अब हम सारी डिजिट एक तरफ ले लेते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू में, सॉरी प्लस वाली डिजिट माइनस में, फिर ये प्लस वाली, फिर ये माइनस में, बराबर 0 ले सकते हैं। इतना तो आप सभी को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब देखिए आगे बचा क्या, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस में से अगर माइनस हटा देंगे, मैं एक बार इधर लिख लेता हूँ क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन में यहाँ पे लगता है कि एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर रहेगा, ये तो कहीं नहीं जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, नहीं सॉरी इसके साथ होगा 2x और माइनस 6, तो प्लस ये है और माइनस ये, तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि 4x माइनस का 4x बचेगा, बिल्कुल सर सही, बिल्कुल सही है। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 15 और 6 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो 15 और 6 कितना हो जाएगा सर, 15 और 6 यहाँ पे 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21 बराबर में 0। अब मेरे को आप बताओ क्या यहाँ तक कोई परेशानी है? बिल्कुल भी नहीं है। इसके आगे आप सॉल्व कैसे करोगे, कैसे करोगे सॉल्व इसके आगे, परेशानी होगी क्या? होगी तो मैं करा देता हूँ भाई सॉल्व, ठीक है। अब हम देखना चाहेंगे कि होगा क्या आगे। इस इक्वेशन को देखते मेरे दिमाग में एक बत्ती आ गई, क्या है वो बात, वो बात मेरे दिमाग में बत्ती जलती, वो बात ये आ गई कि सर इसका हम एलसीएम ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं? देखिए मैं बिना एलसीएम लूँगा, आपको भी बिना एलसीएम ले करके देखना, क्योंकि 7 + 21 होता, 7 में 3 गए 4 बचेगा, तो 7 में से 3 गए तो कितना बचा, 4 बचा। और मैं तो प्लस माइनस जल्दी से इसलिए लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है माइनस प्लस माइनस, 7 में से 3 गए 4 और 7 + 21 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब इसके आगे करना क्या है, देखिए अब ये प्लस माइनस है, दोनों में से कॉमन ले लो, ये कॉमन ले लिया मैंने, ये कॉमन ले लिया, यहाँ पे कॉमन है एक्स, तो बचेगा एक्स माइनस 7, बिल्कुल सही। यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 3, तो यहाँ पे एक्स, ठीक है, माइनस 7। अब इसको देखते हैं क्या हमने सही लिया है गलत लिया है। एक्स और एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स को 7 से करेंगे 7x, 3 को एक्स से करेंगे 3, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 3 21, यानी कि 7 + 21, बिल्कुल सही है। हम अलग अलग अब ले लेते हैं, अंदर वाली डिजिट सेम है ना हमारी, यानी कि ठीक करा हमने, यानी कि एक्स माइनस 7 बराबर 0। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा एक्स बाहर वाला और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। हम बोल सकते हैं कि एक्स बराबर 0 प्लस 7, यानी कि एक्स बराबर तो हमारा क्या आ गया, एक्स बराबर सर 7 आ गया। अब यहाँ पर बोल सकते हैं एक्स बराबर 0 माइनस 3, यानी हम बोल सकते हैं एक्स बराबर क्या आ जाएगा हमारा, एक्स बराबर माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है, x बराबर क्या जाएगा माइनस का 3, यानी कि उनकी वर्तमान एज जो है वो क्या क्या हो जाएगी सर, वर्तमान एज उसकी 7 और 3 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 7 और माइनस 3 हो जाएगी। कहने का मतलब है कि रहमान जो है, इसके अंदर रहमान था ना, उसकी जो प्रेजेंट एज है क्या हो जाएगी, उसकी प्रेजेंट एज 7। तो यहाँ लिख सकते हैं हम रहमान प्रेजेंट एज इज 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि रहमान की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, 7 है। समझ में आई बात आप सभी को, अच्छी तरह समझ आ रही होगी। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे इसके अंदर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसके अंदर है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और देखेंगे अगर टाइम बचेगा तो और भी क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए इसको मैं रफ कर लेता हूँ, डस्टर से अच्छी तरह साफ नहीं होता और बोर्ड पे बहुत गंदा गंदा दिखता है, इसलिए मैं इसमें यूज़ करता हूँ कपड़ा, ठीक है, जो कि इसको अच्छी तरह साफ कर देगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या रखा है, इन अ टेस्ट, इन ए क्लास टेस्ट, द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज, ठीक है, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश 30, ही गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 इज लेस देन इंग्लिश, यानी कि 2 ज़्यादा उसने लिए हैं मैथमेटिक्स में, सॉरी इंग्लिश में, ठीक है, और 3 कम लिया है उसने इंग्लिश में, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, फाइंड देयर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, यानी कि जो शेफाली है, शेफाली ने मैथमेटिक्स और हिंदी में इंग्लिश में 30 मार्क्स लिए हैं, उसने 2 मार्क्स ज़्यादा लिए हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स में, और 3 मार्क्स कम लिए हैं इंग्लिश में, द प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, दोनों मार्क्स का कितना है, 210 है।
तो भाई सिंपल से 70 होगा 31 होगा, ये तो ध्यान आ गया। लेकिन हमें क्या करना है, इसको फाइंड करना है दोनों की, एग्जैक्ट फाइंड क्या होगा, एग्जैक्ट फाइंड क्या होगा। तो हम मान सकते हैं कि जो शेफाली है उसके गणित मान कितने हैं, यानी कि शेफाली के मैथ मार्क्स कितने हैं पता है क्या? नहीं पता तो हम ले लेंगे एक्स। तो शेफाली के मैथ के मार्क्स कितने हो जाएंगे एक्स, और उसके इंग्लिश में यानी कि शेफाली इंग्लिश मार्क्स कितने हो जाएंगे भाई, जो टोटल हमें दे रखे थे, टोटल कितने दे रखे थे 30 मार्क्स है, तो 30 में से एक्स माइनस कर देंगे तो मैथ के सॉरी इंग्लिश के निकल के आ जाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो उसने दो ज़्यादा प्राप्त करे थे मैथ में, ठीक है, जो ज़्यादा प्राप्त करे थे मैथ में उसका प्रोडक्शन बुरा था ना, तो प्रोडक्शन किसका हो जाएगा, प्रोडक्शन हो जाएगा किसका, 30 में से एक्स माइनस कर देंगे, और क्या माइनस करेंगे, जो उसके इंग्लिश में मार्क्स 3 कम थे, लो जी मार्क्स 3 कम थे वो किसके बराबर है 210 के बराबर। यही तो उसने बोला था, उसने ये तो बोला था, क्या क्या बोला था, क्वेश्चन को दोबारा देखिए कि जो शेफाली के मार्क्स है वो हमें पता ही नहीं है मैथ में कितने हैं, इंग्लिश में पता है हमें कि भाई क्या हो जाएगा 30 - x हो जाएगा, तो हमने मान लिया कि ऐसा ऐसा हो सकता है। उसके क्या थे x प्लस 2 किस में थे, ये थे उसके, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये थे उसके मैथ में, और x माइनस 30 इंग्लिश में थे, तो ये हो जाएंगे इसके इंग्लिश के, और ये हो जाएगा इसका टोटल। अगर हम कहें सिंपल में तो मैंने यही लिखा है इसमें, x प्लस 2 हो जाएगा 30 माइनस एक्स था, और उसमें माइनस 3 थे, हमने क्वेश्चन में पढ़ा था माइनस 3 थे उसके इंग्लिश में, और जो कि 210 के बराबर थी जो कि टोटल है इसका। हम आगे इसको करते हैं, आप सभी कर लेंगे तो अच्छी बात है, जल्दी से अपनी कॉपी में इसको कीजिए, तो मैं भी यहाँ पे करता हूँ। क्या क्या बचेगा, x प्लस 2 तो बचेगा, इसको छोड़ दो यहाँ पे, ठीक है, 30 में से 3 गए तो कितना हो जाएगा 27, यानी कि x ठीक है माइनस 27 बच जाएगा इजिकल टू में 210 हो जाएगा। यहाँ तक की कोई समस्या किसी की, यहाँ तक की किसी की कोई समस्या, सर कोई समस्या नहीं है, जल्दी से अपनी कॉपी में इसको करिए, बिना टाइम वेस्ट कीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। हम इसको बोल सकते हैं क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, हो सकता है क्योंकि अगर यहाँ पे ये नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किसका आएगा एक्स स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो माइनस का 27, इसको इससे करेंगे तो प्लस का 2x, अब इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा 7 × 14 और 54 फिजिकल टू में कितना आएगा 210 आ जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2x हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, 7 × 4 = 11 का 1 लगा 1 5 और 2 7 और 1 8 यानी कि 81 बराबर कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। क्या यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आ गई है या नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप सभी को अच्छी तरह समझ आ रहा है ये या नहीं, ठीक है। तो इसके आगे हम क्या कर सकते हैं सर, इसके आगे भी तो कुछ होगा, बिल्कुल सर होगा, यहाँ तक देखते हैं कोई गड़बड़ तो नहीं है, बिल्कुल सर कोई भी गड़बड़ नहीं है, ये प्लस टू था ना तो इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे क्या था ये, ठीक है यहाँ तक की कोई दिक्कत है ही नहीं, लास्ट को इससे करेंगे तो कितना आएगा, मैंने कहीं गलती कर दी शायद, इसको इससे मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई आएगा 27x सॉरी ठीक है 27x प्लस का 2x तो इसको चौवन जाएगा, है तो थोड़ी गलती होगी सॉरी, इसको इससे तो इसको इससे करेंगे ये आएगा, इसको इससे करेंगे 2x, इसको इससे करेंगे 54 राइट। अब तक ये थोड़ी सी गलती हो गई थी, ये थोड़ी सी गलती हो गई थी भाई, मुझे माफ़ कर देना, तो थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे। अब गलती तो हर किससे हो सकती है, लेकिन हमें रीचेक हमेशा करते रहना है, आंसर में जहाँ भी गड़बड़ी लगे आप चेक कर लीजिए, एक्स को एक्स से करा एक्स स्क्वायर, एक्स को इससे करा तो कितना आएगा माइनस 27x, इसको इससे करेंगे प्लस 2x, इसको इससे करेंगे तो 54। अब देखिए यहाँ पे, अब इसका तो 54 का 54 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 25x, कितना आएगा 25x माइनस। अब देखिए अब यहाँ तक कि अब आसानी से सॉल्व हमारा क्वेश्चन हो सकता है, आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है क्या, बिल्कुल सर हो सकता है, और हम करेंगे कैसे कि देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 25x, अब इधर वाला इससे माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस होके कितना बचेगा सर प्लस का 156 हमारा बच सकता है,
इसका 156 बच सकता है। अब इससे आगे का काम आप करोगे या मैं आपको मैं आपको करके दिखाऊं कि इसके आगे का क्वेश्चन कैसे होगा। तो इसके आगे क्वेश्चन में इसने क्या बोला है, इसने बोला था हमें कि फाइंड द मार्क्स ऑफ टू सब्जेक्ट, सॉरी ठीक है, तो क्या करना है इसके अंदर, फाइंड द मार्क्स ऑफ टू सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट इसके अंदर हमें मार्क्स फाइंड करने हैं। यार सिंपल सी बात है, कैसे फाइंड किए जाएंगे हम वो देखते हैं, ठीक है। तो हम सिंपली बोल सकते हैं, सर क्या बोल सकते हैं कि 12 और 13 हम अलग ले लेंगे इसमें से, क्योंकि हम इसको मैं रफ कर लेता हूँ, एक बार रफ कर लेते हैं फिर समझ आएगा हमें अच्छी तरह से। इसको रहने देता हूँ अभी, तब तक हम इसको ऊपर उठा लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो टाइम वेस्ट है, क्योंकि मेरे को पता है 12 गुणा 13 156 और 12 ठीक है और प्लस 13 क्या हो जाएगा 156 हो जाएगा। यहाँ तक की बात भाई देखो, यहाँ तक की बात हर किसी को समझ आती है, क्यों, क्योंकि अब आप एलसीएम लीजिए, जल्दी से आप पहले एलसीएम लीजिए, मैं थोड़ा एक बस आपको 20 सेकंड देता हूँ कि आप एलसीएम ले लो, जल्दी से एलसीएम लीजिए, जल्दी से एलसीएम लीजिए, जल्दी से जल्दी से। ठीक है सॉरी आप माइंड, ठीक है तो एलसीएम आपने ले लिया, क्या आ रहा है 12 और 13 ही आ रहा होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 13 एक्स, ठीक है क्या हो जाएगा सर 156 बराबर 0, ये तो हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 25 आ रहा है और 12 गुणा 13 156 ही होता है, बिल्कुल सर होता है, ठीक है। चलिए एक सिंपल से आप देखो मल्टीप्लाई अगर आपको करके देखनी तो 12 और 13 की अगर मल्टीप्लाई करनी है कैसे होएगी, एक ही लाइन में करनी है आपको, दो लाइन में नहीं करनी, कैसे होएगी। अब देखिए 3 2 6 आ गया 6, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके इससे मल्टीप्लाई इस पे, यानी कि 3 1 3 2 1 2, 3 और 2 कितना होता है 5 और 1 1 1। देखिए 12 और 13 के जो मल्टीप्लीकेशन आ रहे हैं कितना आ रहा है 156 ही आ रहा है, तो बिल्कुल आसानी से हम समझ रहे हैं। अब दोनों में से कॉमन हम अलग अलग ले लेते हैं। अब देखिए कॉमन दोनों का अलग अलग लेना है हमें, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, x आ जाएगा एक तरफ, x माइनस 12 आ जाएगा, सही है सर बिल्कुल सही, माइनस 13 का 13 रहेगा यहाँ पे और क्या बच जाएगा x, अभी तो देखा था कि 12 और 13 156 होता है, तो मल्टीप्लाई करने की देखने जरूरत नहीं है, डिवाइड की जरूरत है ही नहीं, तो 13 गुणा 12 कितना होता है 156 माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि ये डिजिट सब सेम आ गई है, इसका मतलब क्या है आंसर हमारा ठीक आ रहा है। हम इसको एक तरफ लेते हैं एक्स माइनस 12 बराबर 0, बाहर वाला एक तरफ यानी कि एक्स माइनस 13 बराबर 0। हम सर बोल सकते हैं कि x बराबर 0 प्लस 12, कहने का मतलब है कि x बराबर कितना आ गया, पहले आ गया 12 और x बराबर माइनस सॉरी 0 प्लस 13 और x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 13 आ जाएगा, यानी कि हमने क्या क्या निकाल लिया, x बराबर 13 और y बराबर सॉरी x बराबर 12 और x बराबर 13 हमने निकाल ली, जिससे हम कह सकते हैं कि अंक का क्रमांश कितना होगा, अंक कितने होंगे, टोटल नंबर्स कितने होंगे 12 और 13 होंगे, ठीक है 12 और 13 होंगे, गणित में कितने होंगे 13 और गणित में 13 और जो हमारा इंग्लिश होगा उसमें 17 होंगे, क्यों, क्योंकि हमने लिया था x और क्या लिया था 30 माइनस x, ये तो लिया था। अब x कितना है 13 है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा मैथ का मार्क्स, मैं यही लिख देता हूँ आपको दोबारा, ठीक है ये तो हो जाएंगे हमारे किसके मार्क्स, ये हो जाएंगे मैथ के, मैथ की कितने हो गए 13, मैथ का तो एक्स ही था तो भाई मैथ का 13 हो गए। और अब मैं बोलता हूँ कि इंग्लिश के बताओ, तो इंग्लिश के हमने क्या लिए थे, इंग्लिश लिया था मैंने 30 माइनस एक्स, तो भाई 30 में से अगर 13 माइनस कर दिया जाएगा तो कितना बचेगा 17, यानी कि मैं बोल सकता हूँ सर कि जो मैथ में मार्क्स है इसके शेफाली के वो कितने हो जाएंगे 13 हो जाएंगे और जो इंग्लिश में मार्क्स है वो कितने हो जाएंगे 17 हो जाएंगे और 17 को 13 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 210 आ जाएगा। तो बिल्कुल आपको ऐसे ऐसे आसान तरीके से मैथ करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं जो कि आपसे देखिए, क्योंकि इस बार हमें पता है कि मैथ में हमें स्टैंडर्ड और बेसिक का भी अब चॉइस मिलने लग गया है,
तो जिन बच्चों में स्टैंडर्ड लिया है उसको अच्छी तरह से मैथ समझना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड में, जब स्टैंडर्ड का मतलब होता है हाई लेवल, यानी कि वहाँ पे मैथ भी आपकी हाई लेवल से आपसे पूछी जा सकती है। तो इसी तरह अच्छे से पढ़ना है, समझना है, जो भी क्वेरी हो आपको पता है हमारी मेल आई डी shreebalajiinstitute20@gmail.com, आप वहाँ पर हमें मेल कर सकते हैं। जैसे कि कल एक पर्सन ने मुझे मेल करा था, सॉरी मेल नहीं करा था, उन्होंने मेरे को कमेंट करा था कि सर आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए। तो यार डियर देखिए, आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर तो नहीं, मेल आईडी मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है, जिस भी प्रकार का जो भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन आपको मुझसे करना है आप मेरी मेल आईडी पे जाके आप मुझसे क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मैं दोबारा बताता हूँ, shreebalajiinstitute20@gmail.com। कमेंट जरूर करिएगा, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, सबके कमेंट का रिप्लाई भी देता हूँ। तो अच्छी तरह पढ़ना है, अच्छी तरह समझना है, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, जो आपके छोटे भाई बहन हो उनको भी अच्छी तरह बताइए। जैसे कि हमारे पास इंग्लिश की वीडियो भी है इसके अंदर, तो आप जाइए इंग्लिश की वीडियो अपने भाई बहनों को दिखाइए कि ऐसे हमें ग्रामर को अच्छा करना है, हम बेसिक ग्रामर तो मजबूत कर सकते हैं ना। तो बेसिक ग्रामर मजबूत करोगे तब आगे मजबूत होगा, क्योंकि एक घर जब बनता है तो उसकी नींव मजबूत होती है, तब जाके ऊपर तक मजबूत बनता है। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, अच्छा समझना है। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।